साथियों, गुरु नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ की, भारत की ही धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है। गुरु नानक देव एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है, जीवन का आधार है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी परवरिश, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे तर्क, हमारे बोल, हमारी वाणी, ये सब गुरु नानक देव जी जैसी पुण्य आत्माओं द्वारा ही गढ़ी गई है। जब गुरु नानक देव यहां सुल्तानपुर लोधी से यात्रा पर निकले थे तो किसे पता था कि वो युग बदलने वाले हैं। उनकी वो उदासियां, वो यात्राएं, संपर्क, संवाद और समन्वय इससे सामाजिक परिवर्तन की बेहतरीन मिसाल है। अपनी यात्राओं का मकसद स्वयं गुरु नानक देव जी ने बताया था, बाबे आखिया नाथ जी सचू चंद्रमा कुड़ू अंधारा, कुड़ू अमावसी बरतिया हूं भालण चढ़िया सांसरा। साथियों, वो हमारे देश पर, हमारे समाज पर अन्याय, अधर्म और अत्याचार की जो अमावस्या छाई हुई थी उससे बाहर निकालने के लिए निकल पड़े थे। गुलामी के उस कठिन कालखंड में भारत की चेतना को बचाने के लिए, जगाए रखने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, एक तरफ गुरु नानक देव जी ने सामाजिक दर्शन के जरिए समाज को एकता, भाईचारे और सौहार्द का रास्ता दिखाया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाज को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की भेंट दी जो सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान पर टिकी है। उन्होंने सीख दी कि सच्चाई और ईमानदारी से किए गए विकास से हमेशा तरक्की और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। उन्होंने सीख दी कि धन तो आता जाता रहेगा पर सच्चे मूल्य हमेशा रहते हैं। उन्होंने सीख दी है कि अगर हम अपने मूल्यों पर अड़िग रहकर काम करते हैं तो समृद्धि स्थायी होती है।